गाइस लेट्स स्टॉप दिस वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो आज हम लोग चैप्टर 16 और चैप्टर 15 सेबी पार्ट बी का एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे अपना 30 मार्क्स आता है राइट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे एक्सप्लेन किया है कि 30 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है फिर फिर से एक बार देख लेते हैं सो so, चैप्टर फिफ्टीन में से प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट आता है एंड चैप्टर सिक्सटीन में से सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियटीज टर्ने की कोई बात नहीं है चैप्टर सिक्सटीन से बस डेफिनेशन आता है जो कि आपको सजाया हुआ प्लेट में मार्क्स ला के देते हैं डेफिनेशन राइट वी हैव टू नो द दफिनेशन बिकॉज दे आर ओनली लिमिटेड डेफिनेशन जो आता है डेफिनेशनस अगर आप सक गए ना तो फिफ्टीन मार्क्स आपके हाथ में ओके okay? और बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है उतना माथा मारने का ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट है चैप्टर 15 प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट वहां में अपना डेफिनेशन प्लस प्रोविजंस आता है तो मैंने लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एंड प्रोविजंस लिख के रखा है कि जो जो आपका फिफ्टीन मार्क्स प्लस फिफ्टीन मार्क्स का आता है पार्ट बी में ना तीन क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन चला जाता है और में तो पहले दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पहला क्वेश्चन आता है अपना तीन क्वेश्चन आता है ओके फाइव मार्क्स का फाइव मार्क्स का आप स्क्रीन पर देख सकते हो फाइव मार्क्स का पंद्रह मार्क्स ले जाता है वो राइट right? और नेक्स्ट आता है अपना पांच क्वेश्चंस आता है तीन मार्क का पंद्रह मार्क के लिए ओके okay? सो so, ये जो मैंने ब्लू करके रखा है ओके okay, इसमें से ना ये पाँच मार्क तीन क्वेश्चन आ जाता है ये ब्लू वाला क्वेश्चंस ओके ये सो so, यहाँ से आपका ये जो पाँच मार्क है तीन क्वेश्चन आ जाएगा और बाकी जो पाँच क्वेश्चन है तीन मार्क का ये बाकी डेफिनेशन कवर कर लेंगे और ये जो डेफिनेशन है इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इस डेफिनेशन के ऊपर इनसे बाहर एक एक भी कुछ नहीं आएगा यू जस्ट हैव टू स्टडी दिस ओके एंड आई प्रॉमिस यू थर्टी मार्क्स आपके पॉकेट में रहेगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर सिक्सटीन में बारह डेफिनेशन्स है टोटल बारह डेफिनेशन्स है मैं चैप्टर सिक्सटीन दो वीडियो में कवर करूँगा पहला सिक्स पहला सिक्स डेफिनेशन्स मैं आपको समझा दूंगा ओके okay? उसका नोट्स मैं समझा दूंगा कैसा कैसा नोट्स है कैसा आपको लिखना है ओके एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड फ्रॉम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन टू ट्वेल्फ ओके और चैप्टर फिफ्टीन जो है ना वो मैं तीन वीडियो में डिवाइड करके अपलोड कर दूंगा ओके विद द नोट्स जो नोट्स आपको एग्जाम हॉल में लिखना है वो नोट्स ओके ऐसे ही नोट्स नहीं कि बस नॉलेज के लिए ये नॉलेज है प्लस आपका एग्जाम मोटिव के हिसाब से नोट्स दिया हुआ है ओके यू अंडरस्टंडकेट स्टार्ट ओके गाइज पहले हम स्टार्ट करते हैं हमने चार पार्ट बना लिया ओके एक है नेम जो हम लोग जिसके बारे में हम डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन का जो पर्सन है उसका जो रोल है वो और उनका एप्लीकेबिलिटी कंपनी में कितना नेटवर्थ होने के बाद ही ये एप्लीकेबल होगा वो अंडरस्टूड ये तीन चीज़ अगर आप लिख दोगे ना तो मतलब क्या बताए एग्जाम में नॉर्मली सिर्फ डेफिनेशन ही पूछता है ओके बट इफ़ यू हैव लिटिल विट मोर नॉलेज अगर आप बस डेफिनेशन 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 लिख के आओ ना तो पंद्रह से दस मार्क मिल जाएगा लेकिन जो एक्स्ट्रा पाँच मार्क है ना फाइव मार्क्स राइट यू कैन गेट इट बाई प्लेसिंग द रोल्स एंड ऑल्सो द एक्स्ट्रा नॉलेज दैट इज दिस एप्लीकेबिलिटी एंड स्टिल सो so, पूरा 15 मार्क्स टीचर को मतलब ऐसे पेश करना है टीचर के सामने अपना आंसर्स कि टीचर को मौका ना दे हम लोग मार्क्स कट करने के लिए टीचर देख के बोलेगा कि भैया इसको तो पूरा मार्क्स देना ही पड़ेगा वरना मुझको पाप लग जाएगा ओके okay? ऐसा कुछ फीलिंग्स आना चाहिए टीचर के मन में सो so, पहला डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं मर्चेंट बैंक का ना बैंकर तो आपने सुना है राइट बैंक 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 वी हियर दिस वर्ड बैंक वट इज मर्चेंट बैंक लेट्स सी ओके एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट कोई भी पर्सन जो एंगेज हो कौन से बिजनेस में इशू मैनेजमेंट जो शेयर इशू करता हो जो शेयर इशू करता हो वो इशू को मैनेज करने के लिए जो भी पर्सन इंगेज हो उसको कहते हैं हम लोग मर्चेंट बैंक बाय सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज और एक्टिंग एज ए मैनेजर वो सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करता है ओके खरीद लेता है या फिर वो एज अ मैनेजर रहता है मैनेजर मीनस ही मैनेज दी मैनेजेस द इशू ओके नाउ ही ही ना हीज ए कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट रहता है ठीक है वो बोर्ड को कंसल्ट करता है वो स्टॉक एक्सचेंज को कंसल्ट करता है एडवाइजर रहता है ओके ही ऑल्सो गिव्स एडवाइजेस और रेंडरिंग कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसज ओके रिगार्डिंग सच इशू वो कॉरपोरेट्स को कॉरपोरेट्स मतलब कंपनीज को कंपनीज को एडवाइस देता है कि ये जो इशू है किस प्रकार होना चाहिए कैसा होना चाहिए ही इज अ लीगल एडवाइजर यू कैन टेल लाइक दैट ओके ही इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ होम ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ कॉर्पोरेट्स ही इज अ कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस ही गिव्स कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस रिगार्डिंग सच इशू सर्च इश्यू मीन्स वॉट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज अंडरस्टूड इजी ओके नेक्स्ट उसका रोल क्या होता है अगर आपको डेफिनेशन पता होगा ना तो रोल आप अपने आप बना के लिख लोगे नाउ मर्चेंट बैंकर व्हाट ही डज इज दैट मैनेजेस पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्वियसली पब्लिक इशू वो मैनेज करता है राइट नेक्स्ट है अंडर राइटिंग ऑफ सच पब्लिक इशूज ही ऑल्सो अंडरिक्स मतलब वो खरीद लेता है ही ऑल्सो परचेज ही ऑल्सो परचेज द लेफ्ट ओवर ओके मतलब जब आप पब्लिक इशू करते हो ओके टोटल सब्सक्रिप्शन तो नहीं होता पब्लिक तो आपका टोटल जो आपने प्रेजेंट किया पब्लिक के पास जो आपने इशू किया वो टोटल पब्लिक खरीद लेता है क्या 100 परसेंट में से खरीद लेता है पूरा 100 परसेंट नहीं खरीदता राइट सो so, जो लेफ्ट ओवर्स रहता है ना आपने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने हंड्रेड परसेंट इशू किया तो सेवेंटी परसेंट पकड़ लो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया और बाकी जो 30 परसेंट है वो कौन सब्सक्राइब करेगा मर्चेंट बैंक का ही इज अंडर राइटर दैट्स वाई वी कॉल हिम एज अंडर राइटर अंडर राइटर ऑफ सच पब्लिक इशू नाउ नेक्स्ट इज प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ यी ऑल्सो डज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ वी विल अंडरस्टैंड प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट हमने पहले सभी के सब चैप्टर्स में सीख है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है प्लेसमेंट mm -hmm. अपने को ना आई सी डी आर चाप्टर में समझ में आता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है एंड इफ यू नो कंपनी लॉ वेरी वेल यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वट इज प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट इज गिविंग गिविंग ऑफरिंग द सिक्योरिटीज ऑफरिंग द सिक्योरिटीज टू सम प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंडिविजअुअल इजनेट प्राइवेट नेटवर्क इंडिविजुअल्स इजनेट जो कि हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है अपना स्टॉक ब्रोकिंग नाउ स्टॉक ब्रोकिंग का काम कौन करता है मर्चेंट बैंकर करता है स्टॉक ब्रोकिंग का नाम ये स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है डिवाइड करता है स्टॉक का मतलब क्या होता है सिक्योरिटीज ब्रोकिंग का मतलब क्या होता है एक्टिंग एज ए मिडिल मैन बिटवीन हुम बिटवीन द कंपनी बिटवीन द कंपनी एंड द पब्लिक राइट एक्टिंग एज ए मिडिल मैन ओके अंडरस्टूड नाउ स्टॉक ब्रोकिंग का काम कौन करता है मर्चेंट बैंकर राइट नेक्स्ट इज कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस नाउ वॉट इज कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विस कॉरपोरेट मतलब कंपनी right? को एडवाइज करता है राइट एडवाइजरी सर्विस देता है कौन एडवाइजरी सर्विस देता है मर्चेंट बैंकर राइट नाउ मर्चेंट बैंकर गिव्स दी सर्विसेज ऑफ वट एडवाइजिंग एडवाइजिंग सर्विसेज टू हुम कॉरपोरेट्स कॉरपोरेट्स क्या एडवाइस देता है ऑब्वियसली एडवाइज रिलेटेड टू दू रू दब्लिक इशू ओके इशू ऑफ वट इशू ऑफ सिक्योरिटीज अंडरस्टूड

ओके ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर वाट फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज क्या है वो लोग देख लेते हैं हम कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन आएगा ना जो भी एप्लीकेशन आएगा किसके लिए जो भी एप्लीकेशन आएगा फॉर द परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज ओके जो भी एप्लीकेशन आएगा ना उसका रिकॉर्ड रखने के लिए अंडरस्टूड नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचमेंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स अलॉटमेंट मैटर्स को अलॉटमेंट लेटर्स को वो डिस्पैच करेगा ओके प्रोसेस करेगा और फिर डिस्पैच करेगा नेक्स्ट इज डिटरिंग देश अलॉटमेंट ऑफ दिक्योरिटीज कितना प्रोपोर्शन में अलॉट करना है वो भी डिटरमाइन करेगा ओके ये हो गया अपना रजिस्ट्रॉस ना वेर इज शेयर ट्रांसफर एजेंट शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है एनी पर्सन ऑन बिहाव ऑफ बॉडी कॉपरेट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जो भी बॉडी कॉपरेट के बिहाफ में मेंटेन करता हो मेंटेन करता हो व्हाट दी रिकॉर्ड ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज जो भी शेयर होल्डर्स है उनका जो रिकॉर्ड उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना वो है शेयर ट्रांसफर एजेंट और याद रखियो ये जो रजिस्ट्रार्स है यहाँ पे जो रजिस्ट्रार्स है ठीक है रजिस्ट्रार टू एन इशू मीन्स द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ये ग्रुप ऑफ पर्सन है एक बंदा नहीं है वेरियस बंदा भी हो सकता है ग्रुप ऑफ बंदाज भी हो सकता है ओके okay. बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एनी पर्सन यहाँ पे कोई एक बंदा देर इज नो ग्रुप ऑफ पर्सन इन शेयर ट्रांसफर एजेंट ओके नेक्स्ट डील्स विद ऑल दी मैटर्स कनेक्टेड विद द ट्रांसफर एंड रिडेम्पशन ऑफ दिक्योरिटीज एक बार आपने सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटीज आपने ट्रांसफर किया तो उसको रिडीम भी करना पड़ेगा परे, राइट तो रिडेम्पशन और ट्रांसफर का जो झमेला है वो कौन मेंटेन करके रखेगा वो किसका जिम्मेदारी है बताओ शेयर ट्रांसफर एजेंट का ओके सो वी विल सी द रोल ऑफ दिस पहला की रजिस्ट्रार सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि एप्लीकेशन कलेक्ट करो ये कौन करता है ये रजिस्टर्ड भी नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल इनपुट्स टू लीड मैनेजर लीड मैनेजर को जो मैनेज करता है जो पहला लीड होता है फॉर एग्जाम्पल एवरी टीम का एक कैप्टन होता है राइट right? जो जो लीड मैनेजर है उसको प्रैक्टिकल इनपुट्स दे राइट right? उसको प्रैक्टिकल इनपुट्स दे नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर्स ओके डेली फिगर्स जो उसको आ रहा है मतलब डेली फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में फिगर्स डे टू डे मतलब डे टू डे क्या है यार एवरी सेकंड चेंज हो रहा है राइट right? सो so, उसका जो कलेक्शन हो रहा है एंड द रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर्स को रिपोर्ट करना है ओके नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फॉर्म्स फ्रॉम बैंक्स वो डेटा कलेक्ट करेगा ओके okay? और फॉर्म कलेक्ट करेगा फ्रॉम वट बैंक्स नाउ कौन सा फॉर्म कलेक्ट करेगा देखो जो फॉर्म उस बैंक कलेक्ट करता है ना बैंक फॉर कलेक्टिंग देशन वो एप्लीकेशन फॉर्म फिर से कलेक्ट करेगा कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड फॉर्म्स फ्रॉम बैंक बैंक से वो कलेक्ट कर लेगा कौन कलेक्ट कर लेगा रजिस्ट्रार ओके नेक्स्ट इज शेयर ट्रांसफर एजेंट सर्विसज इसका बस इतना ही है बुक में भी इतना ही है शेयर ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज तो अगर आपको लिखना है कि इसका रोल क्या है सिंपल यही है रोल ओके एनी पर्सन ऑफ बॉडी बिहाफ ऑफ बॉडी कॉपर द रिकॉर्ड तो ये क्या करता है ही मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मतलब शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है ये रोल पे लिख पाओगे ना आप सो दिस इज दी ओनली थिंग दैट इफ यू नो द मीनिंग ना इफ यू नो द डेफिनेशन यू कैन मेक द रोल बाय योरसेल्फ अगर आप रोल भूल भी जाओ ना एग्जाम हॉल में यू लिख यू लिख के आई आयो बस और याद रखियो जब जब डेफिनेशन लिखना है रोल साइड बाय साइड लिख दियो बस ओके और कैसे लिखना है भाई डेफिनेशन से निकाल के निचोड़ के रोल लिख दो अंडरस्टूड ओके ये एप्लीकेबल कहाँ होगा ये एप्लीकेबल होगा फॉर कैटेगरी वन जो कैटेगरी वन के है वो फिफ्टी लाख एंड कैटेगरी टू के है ट्वेंटी फाइव तो इनका जो है ना इसका रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ये दो कैटेगरी के आते हैं ओके तो कैटेगरी वन में जो होता है वो फिफ्टी लैस एंड कैटेगरी टू में जो यू यू हैव हैव टू टू रिमेंबर दिस दिस अंडरस्टैंड ये जो सेबी हम लोग डेफिनेशन पर रहे हैं ना तो यू हैव टू नो सेबी आफ्टर दैट यू कैन जम्प दिस दिसंस अंडरस्टूड आफ्टर दैट यू कैन जम्प दिस दिसंस नाउ वाई एम डूइंग द डेफिनेशन फर्स्ट इज मेरा ड्यूटी है एग्जाम के परस्पेक्टिव पे आपको मैं इनपुट्स दू आपको मैं वे uh, दिखाऊं कि कैसे एग्ज़ाम में पास होना है राइट right? तो अगर मैं पूरा थियोरेटिकली पूरा मतलब बैक आपका जो बैक स्टोरी है वो समझने लग जाऊं तो मतलब घंटों चला जाएगा राइट दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल हु नो सेबी ओके हु नो सेबी बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू पास एट वन अटैम्प्ट राइट हु नो सेबी बट डोंट नो वॉट टू राइट कभी कभी हम अपने को लगता है ना कि यार हम मुझको तो सभी आता है लेकिन यार मुझको ना पता नहीं कि मुझको लिखना क्या है मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है यार क्या लिखना क्या है भाई यही लिखना है ओके दिस आर द इजिएस्ट थिंग यू हैव टू राइट और ये मैंने बहुत ईजी वे में uh, आपके लिए हैंडराइटर नोट लिख के रखा हूं यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अंडर राइटर्स ना अंडर राइटर्स क्या है अंडर राइटर्स मीन अ पर्सन हु एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ अंडर राइटिंग

एप्लीके तो आपके आपने क्या किया कि आपने इशू किया राइट यू हैव इशू द प्रस्पेक्ट राइट तो आपको क्या लगता है कि यार जितने आपने इशू किया जितके आप जितना आपको होप है 100 परसेंट पूरा इशू सब्सक्राइब हो जाएगा पूरा इशू सब्सक्राइब हो जाएगा नहीं हो सकता है ना माइंड बी देर आर पॉसिबिलिटीज और ऐसा भी हो सकता है कि यार पूरा सब्सक्राइब ना करे पब्लिक सारे शेयर्स ना ख़रीदे तो एट दैट मोमेंट ना जो लेफ़्ट ओवर शेयर्स है ना जो लेफ़्ट ओवर शेयर्स है वो कौन ख़रीदता है वो अंडर खरीदता है

जो सिक्योरिटीज जो सिक्योरिटीज पब्लिक सब्सक्राइब ना करे विच आर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड ठीक है वो सिक्योरिटीज ये अंडर आइटर सब्सक्राइब करे ओके एग्रीज टू टेक अप सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करे विच आर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड इन अ पब्लिक इशू नेक्स्ट क्या देखो मेक्स अ कमिटमेंट टू गेट इशू सब्सक्राइब्ड इधर बाई अदर और आई दमसेव वो कमिटमेंट भी करता है कौन सा कमिटमेंट करता है वो कमिटमेंट करता है कि कि ये जो इशू है ना वो सब्सक्राइब्ड करा दे वो वो पब्लिक से सब्सक्राइब करा दे और या फिर वो सब्सक्राइब ना करा पाए तो उसको ये भी जिम्मा लेना पड़ेगा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि वो खुद सब्सक्राइब कर दे अगर वो सब्सक्राइब करा ना पाए तो अंडरस्टूड क्लियर ईजी ना नॉट लेस देन ट्वेंटी लैख नेक्स्ट बैंकर टू एन इशू वट इज़ बैंकर टू एन इशू बैंकर टू एन इशू मीन्स अ शेड्यूल्ड बैंक कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक शेड्यूल्ड बैंक है बैंकर टू एन इशू ये है कि एक शेड्यूल्ड बैंक है क्या करता है ना मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ ये बैंकर टू एन इशू क्या होता है देखो ये जो इशूज लाते हैं ना कंपनीज तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है ये करो वो करो इशू लाओ प्रोस्पेक्टस लाओ ठीक है एंड देन डू दिस एंड डू दिससेट्रा एक्सेट्रा सब्सक्रिप्शन दिस दिस दैट सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्यूटीज फॉर एन इशू राइट तो क्या करता है कंपनी वो बैंक को सब सौंप देता है कि भाई तुम देखो तुम देख लो चीज़ तो क्या करता है कि मीन्स शेड्यूल्ड बैंक और वो जो बैंक होता है ना वो शेड्यूल्ड बैंक होता है कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ये जो एक्टिविटीज है ना ये पूरा वो ये पूरा वो फॉलो करे या फिर कोई भी एक एक्टिविटी फॉलो करे तो एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनीज ये तो पता है राइट एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनीज ओके बैंकर टू एन इशू द बैंकर हू इज दैंकर टू एन इशू दैट पर्सन विल दैट शेड्यूल्ड बैंक इट्स नॉट अ पर्सन दैट्स अ बैंक एक्चुअली ओके सो दैट बैंक विल एक्से अलॉटमेंट मनी ओके अलॉटमेंट और कॉल मनी एक्सेप्ट दैट मनी नाउ नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ओके समटाइम्स वीपन मनी एक्सेस आ जाता है राइट ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है राइट सो एट दैट मोमेंट विल डू इज दैट वी विल रिफंड नॉन अलॉटेड शेयर डिविडेंट भी देना होता है राइट right? तो डिविडेंट कौन देगा बैंक ये सारे जो इशू के लेकर चक्कर है ना कॉल मनी एप्लीकेशन मनी रिफंड डिविडेंड देना एक्सेट्रा एक्सेट्राइरलीयरली बेसिस पे ओके ऑल दैट विल भी डन बाई दी बैंक ओके दट्स वाईज नोन इज बैंक टू एन इशू कौन सा इशू भाई इशू होता है अपना पब्लिक इशू ना इसका रोल क्या होता है कि इन्श्योर दैट दी फंड्स आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द्रो अकाउंट ओके जो फंड है जो फंड रहता है जो फंड देते हैं मतलब जो पब्लिक पैसा देकर खरीदते हैं ना तो वो पैसा जो है न वो जो पैसा है ना वो डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जाता वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में रहता है उस अकाउंट का नाम होता है एस्क्रो अकाउंट ओके अलॉटमेंट करने के बाद ही जो पब्लिक का पैसा है वो कंपनी के पास जाता है ओके सो दैट कंपनी फ्रॉड ना करे ना वन और मोर बैंक में फंक्शन एज बैंकर टू एन इशू ओके एक बैंक से ज्यादा बैंक हो सकता है ओके okay. एक बैंक भी काम कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा बैंक भी हो सकता है नेक्स्ट इज बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स है वो मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स वो सबमिट करे ओके नेक्स्ट इज डिबेंचर ट्रस्टी नेक्स्ट इज डिबेंचर ट्रस्टी अगर आपने मेरा डिबेंचर वाला लेक्चर देखा है ना तो डिबेंचो वाला लेक्चर में आपको बताया होगा बताया होगा मैंने कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है डिबेंचर ट्रस्टी क्या फंक्शन है उसका अगर आपने वो देखा तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं है बिकॉज यू विल नो बेटर दैन दिस पोर्शन राइट तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ये पढ़ लो इनफ है ओके okay? देखो लेकिन वो जो डिबेंचर वाला लेक्चर था ना उसमें थोड़ा एक्सेस आपका इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड है बिकॉज मार्क मार्क का आंसर आंसर है ओके okay, के के हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन इनपुट किया है ओके एंड दिस इंफॉर्मेशन आर कंप्लीटली फ्रॉम दी टेक्स बुक अंडरस्टैंड ना विच टेक्स बुक मेटेरियल भाई अपने इंस्टीट्यूट का टेंशन मत लो आओ डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है डिबेंचर ट्रस्टी मीनस ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ए बॉडी कॉपरेटर कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में एक बंदा होता है वो है डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर ट्रस्टी कौन होता है कौन डिवेंचर ट्रस्ट डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होता है ओके okay, डिवेंचर जितने भी होल्डर्स है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है डिवेंचर ट्रस्टी अभी डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेगा वो देख के रखेगा कि डिवेंचर होल्डर्स को प्रॉपर इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं टाइम टू टाइम उसका रिडिमेशन हो रहा है कि नहीं टाइम टू टाइम डिवेंचर एक बार आपने इशू कर दो उसको रिडीम करना पड़ता है राइट right? नाव यह था डिबेंचर ट्रस्टी इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊ ना तो डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स का माए बाप होता है कोई भी प्रॉब्लम हो डिबेंचर ट्रस्ट होल्डर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो डिबेंचर होल्डर्स को तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो वो डिबेंचर ट्रस्टी लेकर जाता है वो प्रॉब्लम्स टू दी कंपनी एंड दे ट्राई टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स अंडरस्टूड और कोई भी अगर पकड़ लो कंपनी ने ना इंसाफी किया डिवेंचर होल्डर्स के साथ तो डिवेंचर ट्रस्टी वो बंदा होता है जो ट्राइब्यूनल को ना फाइल कर देता है कि देखो अपने डिबेंचर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है अंडरस्टूड नाउ yeah. उसका ड्यूटी क्या होता है कॉल फॉर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स ठीक है वो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स देखेगा ओके टेक पोजेशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रस्ट का जो भी प्रॉपर्टी है उसका देख रेख कौन करता है डिबेंचर ट्रस्टी करता है इंश्योर सिक्योरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स नाव वो क्या करता है कि इंश्योर सिक्योरिटी वो सिक्योर करता है राइट आई ओनली यू बिफोर वो सिक्योर करता है क्या सिक्योर करता है इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर करके रखता है डिबेंचर डिबेंचर होल्डर्स को कोई को तकलीफ ना हो वो देख के रखता है नाउ नेटवर्थ का एप्लीकेबिलिटी क्या है इसका कि टू क्रोर्स ओके नॉट लेस देन टू क्रोर्स नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक ब्रोकर दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर नाउ स्टॉक ब्रोकर कौन होता है स्टॉक ब्रोकर मींस अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकर ऑलवेज रिमेंबर मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का और सब ब्रोकर कौन होता है सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्टॉक ब्रोकर का चेला होता है सब ब्रोकर अंडरस्टूड अपनी भाषा में ये होता है नाउ विल अंडरस्टैंड दिस ओके मीन्स अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड दे आर द इंटरमीड हु आर अलाउड टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज वो इंटरमीडियट्स रहता है जो जो कम जो स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करते हैं ठीक है स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करते हैं इनको ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग के लिए ना सब ब्रोकर कौन होता है सब ब्रोकर मीन एनी पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज याद रखियो डिफरेंस यही है कि स्टॉक ब्रोकर मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का लेकिन सब ब्रोकर मेंबर नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज का लेकिन वो सब ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव होता है सब ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव होता है सब ब्रोकर ओके बींग ए में स्टॉक एक्सचेंज एनी पर्सन नॉट बींग में स्टॉक एक्सचेंज हुन बिहाफ ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर ठीक है जो स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पे काम करे उसको क्या हैं हम लोग सब ब्रोकर अंडरस्टूड नेक्स्ट इज इसका रोल क्या होता है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेकेंडरी मार्केट हेल्पिंग बोथ द सेलर एंड बायर ऑफ द सिक्योरिटीज टू एंटर इन टू तो अ ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली यार ये ब्रोकर है राइट ही विल बी दी ब्रोकर ही विल बी द ब्रोकर वो सेलर को लाएगा वो बायर को लाएगा राइट वो सेलर को लाएगा बायर को लाएगा और उसके बाद उनको ट्रांजेक्शन करा देगा अंडरस्टूड नाउ द स्टॉक ब्रोकर ऑप्टेंस दी कॉन्सेंट ऑफ हिस क्लाइंट एंड द प्राइज चार्ज शुड बी हेयर एंड जस्टिफाइड बाई द कंडीशंस ऑफ द मार्केट वो जो अपने क्लाइंट को uh, जिस प्राइस पे जिस प्राइस पे वो बेचता है okay, वो इंश्योर करता है कि वो जस्टिफाइड हो धोखाबाजी ना हो अंडरस्टूड नेक्स्ट इज उसका रिक्वायरमेंट एप्लीकेबिलिटी रिक्वायरमेंट ना होप्लीकेबल तभी होगा जब नेटवर्थ एस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड सिक्स ऑफ द रेगुलेशन में लिखा है अंडरस्टूड स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर का सो यू कैन राइट दिस अमाउंट ओके अपना कितना हो गया टॉपिक आज छह टॉपिक हो गया नेक्स्ट वीडियो में आप हम लोग बाकी के छह टॉपिक्स कवर करेंगे ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनलिटिस क्रेडिट रेडिंग एजेंसीज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओके दे वेरी वेरी इजी टू डिस्कस दैम इन द नेक्स्ट वीडियो ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जो मैंने नोट्स लिखा है ना ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा बस प्रॉमिस ये करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे एंड यू विल बी विथ मी और ये जो नोट्स है ना दिस इज़ ओनली फॉर योर एग्जाम्स अंडरस्टूड मतलब आप दिल खोल के ये नोट्स लिखो और एग्जाम में लिख के आ जाओ 100% परसेंट गारंटी पास हो जाओगे. दिस चैनल इज दी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए कुछ डाउट्स आए तो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लियो ओके हैप्पी लर्निंग गाइस